आज हमारे बीच है चौधरी मतीन अहमद जी। 22 साल तक सिलमपुर विधानसभा में विधायक रहे और सभी दिल के अजीज 2014 के इलेक्शन में 22 साल बाद पहली बार इशराक जी ने विधानसभा में अपनी एंट्री ली। कुछ भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के टाइम पर इस सरकार को खा गया, आज जानते हैं चौधरी मतीन अहमद जी से किन मुद्दों को लेकर दोबारा से जनता के बीच में जाएंगे। जो दिल्ली में कांग्रेस ने काम किया है, शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री 15 साल रही, जो उन्होंने काम किया है वो लोगों की नज़र में है और उस काम का मुकाबला 5 साल का ये 25 साल में नहीं कर पाएंगे। जो काम हुए उनके रिपेयर तक ये नहीं कर पा रहे, ये तो झूठ बोल के राजनीति करते हैं, अफवाहें फैला के राजनीति करते हैं और उसी के दम पे अभी तक ये यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ यूँ कहें कि एक लहर थी केजरीवाल की, भ्रष्टाचार के ऊपर बात करी और यही एक वर्ड कांग्रेस पार्टी का 2014 में चुनाव में बिल्कुल सफाया हो गया। दोबारा से आने के लिए क्या क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच में जाने के लिए? बात करें 2014 के इलेक्शन की तो कांग्रेस 3rd नंबर पे आई और लोकसभा की यदि बात करें तो दोबारा से वापसी हुई। देखिए, आप बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, 5 साल उनको होने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में कांग्रेस के किसी नेता को उन्होंने जेल में क्यों नहीं डाला जी? उसके खिलाफ कोई FIR क्यों नहीं करवाई जी? वो जो कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम पे दिल्ली सरकार के किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को, किसी को क्यों नहीं उन्होंने पकड़ा? वो सब मैं कह रहा था, अफवाहों पर, झूठ के बल पर राजनीति कर रहे हैं और आने वाला चुनाव फिर कांग्रेस का है। दिल्ली के लोगों को पता चल गया कि दिल्ली का विकास कौन कर सकता है, कारोबार कौन दे सकता है, रोजगार कौन दे सकता है। आज रेहड़ी पटरी वाला परेशान है, नौकरी वाला परेशान है, छोटे से छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार परेशान है। लोगों के पास पैसा नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की सरकार में। पहले लोगों को रोजी रोटी चाहिए, काम चाहिए, उसके बाद कुछ चीज़ देखता है। आने वाला चुनाव अभी आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखा, मेरे इलाके में 65,000 वोट कांग्रेस को मिले, 15,000 से बढ़त रही है। और नहीं, 15,000 से नहीं, 29,000 से रही, आप पार्टी को तो 10,000 वोट मिले। आम आदमी पार्टी से हम 55,000 वोटों से जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी से 29,000 वोटों से जीते हैं। तो आखिर लोगों के कुछ समझ में आई, तभी तो कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने। और आने वाला समय फिर कांग्रेस का, इस देश को, दिल्ली को कांग्रेस चला सकती है, ये लोग दिल्ली को या कांग्रेस भारत को नहीं चला सकते। सर, आपकी छवि एक सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की है, ये चाहे बात करें हिंदुत्व की या बात करें जैन समाज की, सारा जो ये 4 वार्ड आपके क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद भी मैं बात करूंगा कि BJP हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है और ये सिलमपुर विधानसभा एक मुस्लिम बहुल्य एरिया में आती है। जो BJP है उसका एक नज़रिया हमेशा कांग्रेस और अभी बात करें आम आदमी की, दोनों के कैंडिडेट के ऊपर रहती है कि यदि दोनों ही कैंडिडेट मजबूती से लड़ ले तो जो बंटवारीकरण होता है उसमें फ़ायदा BJP को हो जाता है। तो क्या इस बार भी यदि आप कांग्रेस से प्रत्याशी रहे तो एक गद्दावर नेता के तौर पे आपकी छवि रहेगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार भी बंटवारीकरण हो जाए और उसका सीधा फायदा BJP को हो जाए? BJP 93 से यही ख्वाब देख रही है जी। कांग्रेस पार्टी से 93 में सुल्तान खिलौने वाले लड़े थे और मैं जनता दल से लड़ा था जी। हर बार 2-3 मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ और आगे भी सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू भाई भी हमें वोट देते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ के हिंदू भाई भी हमें खूब वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान को लड़ा के राजनीति करना चाहती है, वो इस सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र में वो कामयाब नहीं होंगे। सर, 22 साल का कार्यकाल रहा, उम्मीद ये रखेंगे कि कांग्रेस में भी आपकी एक राजनीतिक तौर पर पकड़ बनेगी। अभी कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष फाइनल नहीं कर पाई, मैं मानता हूँ यदि आपको ये मौका मिलता है और आपका चेहरा एक CM के तौर पर दिल्ली कांग्रेस में देखती है तो किन, पूरी दिल्ली की बात करें, किन मुद्दों को लेकर चलेंगे? देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ऑलरेडी 3 हमारे पास हैं, वर्किंग प्रेजिडेंट हैं जी, हारून यूसुफ, राजेश ललोठिया और देवेंद्र यादव।
और एक प्रदेश और अध्यक्ष और बनना वो बन जाएगा, लेकिन काम करने के लिए 3 लोग हमारे पास हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं दिन भर के, चौधरी मतीन आप पार्टी में जा रहा है, इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि हम उसमें शामिल हों। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, कांग्रेस हारे या जीते इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक विचारधारा, एक सोच है और हमारी सोच कांग्रेस पार्टी से मिलती है। आप पार्टी या किसी और पार्टी से हमारी सोच नहीं मिलती। और हमारे दोस्त, हमारे मिलने वाले कांग्रेस पार्टी में हैं, जहाँ हमारे विरोधी बैठे हैं उन पार्टियों में हम जाने की सोच भी नहीं सकते। चारों वार्ड में विपक्षी कैंडिडेट का होना, एक बसपा से हैं, दो आम आदमी से हैं और एक बीजेपी से हैं, ग्राउंड लेवल पर काम वार्ड जो निगम करती है, और आप विधानसभा के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर आपका विपक्ष आपको इस मुहिम में कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाएगा, किस अपनी विधानसभा में किन कौन से ऐसे ऐसे मुद्दे होंगे जिनके लिए जनता में वोट मांग पाएंगे? ये कॉर्पोरेशन का मेंबर जो आप कह रहे हो चारों विपक्ष में है, उसको ये काम तो बताओ ना जी। कोई स्कूल बनवाया हो, कोई कॉलेज बनवाया हो, कोई डिस्पेंसरी खुलवाई हो, कोई सफाई के कूड़े के ढेर, अभी मेरे घर के सामने जाना और फिल्म बनाना, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, नालियाँ साफ नहीं होती हैं, तो उन्होंने कर क्या दिया सिवाय मकानों पर पैसे उगाने के अलावा? कोई उन्होंने काम किया हो तो बताएं, वो मेरा विरोध कैसे करेंगे, मुकाबला कैसे करेंगे? इस इलाके में आज 25 सालों के कोई एक आदमी बता दे 1 रुपये का हमने सवाल किया हो, किसी से पैसा मांगा हो? अगर कोई हमारे पास आया, हमने उसकी मदद की होगी, हमने 1 रुपये का कोई हम पे इल्जाम नहीं लगा सकता, तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सर, एक लंबा कार्यकाल 22 साल का ऐसे विधायक ही आपका इस क्षेत्र में रहा, उस 22 साल में विकास की बात करूं तो थोड़ा सा प्रकाश डालो। देखिए, तो जो सब्जेक्ट है एक हेल्थ और एजुकेशन, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें 200 बेड का हॉस्पिटल हमारी सरकार ने बनाया, हमारे टाइम में बना जी, जिससे यहाँ कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को, और बल्कि आसपास करावल नगर लोनी तक के लोग हमारे यहाँ आते हैं। उसके अलावा 7-8 डिस्पेंसरी हमने इस इलाके में खुलवाई, और स्कूल के नाम पर 3 स्कूल हमने नए खुलवाए, और बाकी एक स्कूल चौहान मांगर के नाम से मौजपुर में खुलवाया है, एक स्कूल गौतमपुरी में खुलवाया है, एक स्कूल उस्मानपुर में खुलवाया है, और सारे स्कूलों की बिल्डिंगें हमने करवाई हैं, स्कूलों को अपग्रेड किया है, जो 8वीं थे उन्हें 10वीं करवाया, जो 10वीं थे उसको 12वीं करवाया, जाफराबाद जीनत महल स्कूल को मॉडल कम्पोजिट करवाया। और मॉडल कम्पोजिट का मतलब ये है कि पहली क्लास से बच्चे पढ़ें और इंग्लिश मीडियम पढ़ें। पूरी दिल्ली में ज़्यादातर 99% स्कूल एक शिफ्ट में मॉडल हैं, लेकिन हमने उसको दोनों शिफ्टों में मॉडल करवाया, सुबह की भी और शाम की भी, और इंग्लिश मीडियम करवाया, साइंस करवाई और उसमें कॉमर्स करवाई। स्कूलों में आज टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और दिन भर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने एजुकेशन पे बहुत काम किया है, हमने स्कूल हॉस्पिटल पे बहुत काम किया है। पूरी दिल्ली में कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है, वो कई कई हजार रुपए का मार्केट में खरीद रहे हैं, तो आप जब कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन तक नहीं दे सकते तो और आपने अस्पतालों में क्या किया है? दूसरे जो सड़कें हैं, सीवर है, फ्लाईओवर है, जो आपके रोड नंबर 66 पे 4 पुलिये, लोहा मार्केट वाली, लकड़ी मार्केट वाली, कब्रिस्तान की पुलिया, ईदगाह की पुलिया, वो हमने बनवाई है। उस सड़क को सड़क में नाले में चौड़ा हमने करवाया 9 करोड़ रुपए की लागत से। उस पर जो शानदार ढलाव में डस्टबिन है जो नाले के अंदर हमने बनवाए, अंदर ट्रक जाता है और भर के चला आता, बाहर सड़क पर कूड़ा नहीं आता, वो हमने तो करवाया है जी। हमने तो 20 करोड़ का काम तो उसी पर करवा दिया। और पूरे इलाके में बरातघर हमने बनवाया, जो शास्त्री पार्क में बरातघर है, सीलमपुर में बरातघर है, वेलकम में बरातघर है, लकड़ी मार्केट में, वो हमने बनवाया। एक वो बता दें कोई बरातघर उन्होंने बनवाया हो, कोई और डिस्पेंसरी खुलवाई हो, एक डिस्पेंसरी शायद उन्होंने खुलवाई है, उसके अलावा कोई काम तो बताएं। वो कहते 500 करोड़ खर्च कर दिए, 1000 करोड़ खर्च कर दिए, कहाँ खड़े खर्च कर दिए, हमारी समझ में नहीं आता। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेट्रो का एक प्रोजेक्ट हमारे अभी इसी कार्यकाल में आया। देखिए, जो मेट्रो की बात है, जो पहली मेट्रो सादरा से और मोरीगेट तक चली वो हमारे टाइम में चली, उसके बाद में ये जो यहाँ से सीलमपुर, वेलकम और मौजपुर आगे होती हुई जो जा रही है करावल नगर तक, वो शीला दीक्षित ने उसको तैयार करवाया, इन्होंने तो उद्घाटन किया, तो काम तो हमारे टाइम में पूरा हो गया था। उसके अलावा वो कोई नया काम तो बताएं,
उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट पर कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, घर घर पेड वर्कर भेजते हैं, वो लोगों को बरगलाते बहकाने का काम करते हैं, इसके अलावा और उनके पास कोई योजना नहीं है। आपके पास सर कांग्रेस पार्टी के पास अपना एक वोट बैंक अपना है, और लोकसभा के इलेक्शन की बात करूं तो वो शायद वापसी भी किया है क्योंकि सेकंड रनर अप कांग्रेस पार्टी रही है। इस जो समीकरण है इसको मेंटेन करने के लिए लास्ट एक लाइन में अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा कि देश को, दिल्ली को, अपने कारोबारों को, अपने रोजगार को, भाईचारे को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कांग्रेस के हाथों में देश सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, कारोबार सुरक्षित रहेंगे।